वेलकम टू फूडीज वर्ल्ड। आज हम एक नई रेसिपी के साथ आए हैं, दिल थाम के बैठे। उस रेसिपी का नाम है हेल्दी डिलीशियस बीटरूट एंड कैरेट पराठा। प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक देखिए। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिए और लाइक बटन पर क्लिक करिए। थैंक यू। रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने बीटरूट और कैरेट को अच्छे से वॉश कर लिया है। अब हमें बीटरूट को पील करना है। बीटरूट की स्किन को निकाल कर साइड में रखना है, इसे हमें ग्रेट करने में आसानी होगी। इसी तरह हमें कैरेट को भी पील करना है, उसकी स्किन को निकाल देना है। चलिए, हमारा बीटरूट और कैरेट रेडी है ग्रेट होने के लिए। आपके पास कोई भी ग्रेटर होगा घर पे, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। बस आपको ध्यान इतना रखना है कि दोनों की कंसिस्टेंसी सेम रखिए, जिससे पराठा बनाने में आपको आसानी होगी। हमारा बीटरूट ग्रेट होके रेडी हो चुका है। इसी तरह से हमें कैरेट को भी ग्रेट करना है। आप देख सकते हैं दोनों की कंसिस्टेंसी सेम है, जिससे हमारा पराठा काफी क्रिस्पी और सॉफ्ट बनेगा। चलिए हम कुछ सामग्री देख लेते हैं। हमने लिया है जीरा, राई और नमक स्वाद अनुसार। उसके बाद हमने लिया है करी लीव्स, ग्रीन चिली और एक लेमन। हमने इसे कट कर लिया है। चलिए हम अब पैन को गरम रखते हैं स्टोव पे। हमने इसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड किया है। अब हम इसमें डालेंगे राई। राई को हमें अच्छे से पकाना है। आप देख सकोगे कि वो क्रैकल करना स्टार्ट करेंगे। फ्लेम को थोड़ा आपको बढ़ाना है। देखिए हमारी राई रेडी है। अब हम इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा जीरा। थोड़ा सा अच्छे से मिक्स करिए दोनों को। अब हम डालेंगे चिली। इसे एक बार अच्छे से घुमाइए। करी लीव्स, थोड़ी सी लीव्स, करी लीव्स, सारे इंग्रेडिएंट को इसे एक बार अच्छे से मिक्स करना है। इसको थोड़ा सा हमको लाइट ब्राउन करना है, जिससे हमारा पराठा थोड़ा क्रिस्पी फ्लेवर हमें इसे हमें थोड़ा सा लाइट ब्राउन करना है। फ्लेम को धीमी आंच पर रखिए। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे हमारा ग्रेटेड बीटरूट और ग्रेटेड कैरेट। थोड़ा सा इसे मिक्स करिए। फ्लेम को धीमी आंच पर रखिए। हमें सिर्फ इसे एक मिनट तक पकाना है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़ा सा लेमन जूस। थोड़ा सा एक बार हम फिर से इसे मिक्स करेंगे। थोड़ा सा हम इसमें नमक ऐड करेंगे। अच्छे से लास्ट पर हमें इसे मिक्स करना है। अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे।
हमारी स्टफिंग रेडी है। चलिए अब हम पराठे के लिए डो को रेडी करते हैं। सबसे पहले मैंने एक कप आटा लिया है, इसके अंदर मैंने नमक डाला है और थोड़ा सा ऑयल डाला है। ऑयल डालने से पराठा काफ़ी क्रिस्पी और सॉफ्ट बनता है। इसके बाद हम इसके अंदर हमारी स्टफिंग डालेंगे जो हमने अभी प्रिपेयर करी है। क्योंकि ये काफ़ी गर्म है तो मैं एक स्पून की हेल्प से इसे थोड़ा मिक्स करूंगी और फिर हाथ से उसे बाइंडिंग करूंगी। इसे अच्छे से मिक्स करना है, सारे इंग्रेडिएंट एक दूसरे से मिक्स हो जाए। डो हमें थोड़ा सा सॉफ्ट रखना है जिससे हमें पराठा बेलने में आसानी हो। हमारा डो रेडी है, चलिए अब हम पराठा बनाते हैं। थोड़ा सा आटा लीजिए, स्प्रिंकल करिए। आप पराठा अपने हिसाब से बना सकते हैं, छोटा बड़ा मीडियम। मैं एक मीडियम पराठा बना रही हूँ। चलिए मैंने पैन को ऑलरेडी गर्म होने रख दिया था। पराठे को हमें पहले दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा पकाना है। जैसे ही वो कलर पकड़ना स्टार्ट करते हैं फिर हम उसके अंदर ऐड ऑयल करेंगे। अब हम इसे टर्न करेंगे। आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा लाइट कलर चेंज होना स्टार्ट हो रहा है। देखिए ये कैसा कलर चेंज हो रहा है। चलिए अब बारी आती है ऑयल ऐड करने की। चारों किनारों से ऑयल ऐड करिए पराठे पे, जिससे हमारा पराठा काफ़ी क्रिस्पी बने। देखिए ऑयल अच्छे से घुल गया है पराठे में। इसे टर्न करेंगे। देखिए हमारा पराठा एक साइड से कुक हो गया है। अब हम टर्न करेंगे। देखिए अभी हमारा पराठा रेडी है। अब हम इसे प्लेट में सर्व करेंगे। चलिए हम और एक पराठा बना लेते हैं उसी तरह। पहले हमें दोनों साइड से अच्छे से उसे कुक करना है। जैसे ही वो कलर चेंज होना स्टार्ट करता है फिर आप ऐड ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हो। हमारे पराठे रेडी हो गए हैं सर्व करने के लिए। आप इन पराठों को आपकी मनपसंद चटनी, पिकल, कर्ड के साथ सर्व कर सकते हैं। एंड आई एम श्योर आप इसे खाने के बाद बहुत इंजॉय फील करोगे। अपनी फैमिली को भी खिलाइए, बच्चों को आई एम श्योर ये पसंद आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।